आमिर खान और किरण राव का रिश्ता टूटा, शादी के 15 साल बाद तलाक का ऐलान। यूपी में पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज वोटिंग, 53 जिलों में चुनावी मुकाबला, 45 जिलों में भाजपा सपा की सीधी टक्कर। फिर इत्र की खुशबू से महकेगी कन्नौज की फिजाएं, परफ्यूम म्यूजियम और पार्क बनाने की कोशिशें तेज। शाहजहांपुर में वन महोत्सव की धूम जारी, मंत्री सुरेश खन्ना ने की शिरकत, पौधे लगा कर दिया संदेश। और एक डीएमएसपी ने दिया विवादित बयान, वोट न डालने की दी धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और उत्तर प्रदेश की खास खबरों की मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर जिला पंचायत चुनाव में लगातार उठापटक के बीच मतदान जारी है। पंचायत चुनाव में दो प्रत्याशी आमने सामने, बागी अरुण सिंह से बीजेपी प्रत्याशी का सामना, बीजेपी ने शकुन सिंह को बनाया है प्रत्याशी। तो उन्नाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार चुनाव में लगातार उठापटक के बीच मतदान जारी है। पंचायत चुनाव में दो प्रत्याशी आमने सामने भी आ गए हैं, बागी अरुण सिंह से बीजेपी प्रत्याशी का सामना। पहले बता दें, बीजेपी ने अरुण सिंह को टिकट दिया था, उसके बाद शकुन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो दोनों की आमने सामने टक्कर जारी है। उन्नाव से बड़ी खबर, अरुण सिंह को बागी हो गए अरुण सिंह, क्योंकि पहले बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था, उसके बाद शकुन सिंह को टिकट दिया गया, जिस पर अब दोनों आमने सामने आ गए हैं। चुनाव को लेकर उठापटक भी जारी है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव आज हो रहा है। 45 जिलों में भाजपा का सपा से सीधा मुकाबला है। वहीं दोनों प्रमुख दल 4 जिलों में त्रिकोणीय और 3 जिलों में चारकोणीय मुकाबले के बीच फंसे हैं। 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। मतदान के बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रामपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव और सुल्तानपुर में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। बता दें कि जीतने वालों को विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई, साथ ही सभी मतदान केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी से कराए जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। तो आपको तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, आजमगढ़, हमीरपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर चुनाव में आज मतगणना है। और साथ ही साथ इसको लेकर जो चुनावी सरगर्मियां है वो काफी हद तक तेज है, क्योंकि कई जिलों में सीधे तौर पर सपा और भाजपा का आमना सामना होने वाला है। तो उसको लेकर भी कई चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं आपको बता दें कि जीतने वाले प्रत्याशियों को अपना शक्ति प्रदर्शन भी नहीं दिखाने को मिला कोविड प्रोटोकॉल के तहत। वहीं लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तो 45 जिलों में भाजपा और सपा की सीधी टक्कर को देखने को मिल रही है। 53 जिलों में चुनावी मुकाबला और आज इसके रिजल्ट की घोषणा होगी। तो पंचायत अध्यक्ष पक्ष के लिए वोटिंग आज है, जिसको देखकर आज सपा और भाजपा के कई अध्यक्ष आमने सामने हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। 5 जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं बंगाल चुनाव में मशहूर हुआ स्लोगन खेला होबे की तर्ज पर खेला होई अब यूपी विधानसभा चुनाव आने के साथ ही जोर पकड़ रहा है। इससे पहले कानपुर और लखनऊ में भी कई ऐसे बैनर देखने को मिले थे। अलीगढ़ में सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अज्जू इशाक ने भी अपने कार्यालय के बाहर कुछ ऐसा ही बैनर लगा दिया है,
जिससे साफ है कि यूपी विधानसभा के आगामी चुनाव में भी बंगाल चुनाव का असर दिखेगा। अर्जुन विशाख ने बैनर लगाने पर कहा कि यह संदेश है कि जिस तरह बंगाल के अंदर इनको भाजपा के लोगों को 2021 के चुनाव हुए हैं उसमें हार का सामना करना पड़ा, उसी तरह 2022 के चुनाव में भी उनके लिए संदेश यही है कि 2022 के अंदर पिछड़ी जाति समस्त नौजवान और बेरोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करेंगे और भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। अलीगढ़ में भी वन महोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। नगर निगम द्वारा धारा मापी में कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर 1000 पेड़ लगाए गए। वन महोत्सव के दूसरे दिन महापौर मोहम्मद फुरकान ने नीम का पेड़ लगाते हुए शहरवासियों को वन महोत्सव में बढ़ चढ़ कर मुल्क और इंसानियत के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। महापौर मोहम्मद फुरकान के साथ पार्षद मुशर्रफ हुसैन, सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद, अधिशासी अभियंता भी मौके पर मौजूद रहे। कल भी था और आज भी है, एक हफ्ते चलेगा जैसा मुझे बताया गया, और ये बहुत ही अहम काम हो रहा है नगर निगम की तरफ। मेरे अधिकारी जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, वरना ये जो पेड़ की कटाई और ये तमाम पौधे सब कट गए जिसकी वजह से बहुत सी परेशानी आती है, ये मुल्क के लिए, सेहत के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कल आपने 800 लगाए और आज 1000 लगेंगे, इसी तरह एक हफ्ते में पूरा कोटा जब पूरा हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ माहौल बनाने के लिए और सेहत के लिए ये बहुत। और अय्या मीडियम और एसपी का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव को वोट न डालने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले में सपाइयों ने चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी इस तरह के अधिकारी है वो अपने आचरण में सुधार कर ले, नहीं तो सारे ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार हो रही है। 6 महीने बाद सत्ता परिवर्तन होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यही मैं बता रहा हूँ, ऐसी गलती धोखे से भी ना कर लें। वो औरैया का इतिहास जानते ही हैं, पिछले चुनाव का भी, और ऐसी धोखे से भी गलती ना करें। और कोई भी अगर ऐसा अधिकारी गलती करेगा या किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्पीड़न होगा तो उसे आने वाले समय में पेटीएम कर रही हूँ। वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसने हलचल पैदा कर दी है। इस वीडियो में जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव को वोट न डालने की बात कही जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में सपाइयों ने चुनाव को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए और निष्पक्ष जांच कराने की एक बार फिर मांग की है। प्रदेश में वन महोत्सव चल रहा है और सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 30 करोड़ पौधे लगाए जाने का टारगेट रखा गया है। शाहजहांपुर में वित्त व चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने ककरा कला क्षेत्र में नगर निगम द्वारा शमशान भूमि के सौंदर्यीकरण कराए जाने के काम को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण किया। शमशान भूमि में 900 पौधे रोपित किए गए। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री के साथ जनपद के सांसद अरुण कुमार सागर भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस के गौतम सहित अन्य अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण किया। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हरित क्रांति को बढ़ावा देते हुए इस साल जुलाई महीने में 25 करोड़ से 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राजीवगंज में एक इंटर कॉलेज लड़कियों का बन रहा है, उससे इस पूरे क्षेत्र को और खास तौर से राजीवगंज क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा होगा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हम जानते हैं कि कन्याओं की शिक्षा के लिए हमारे वहाँ बहुत कम अवसर हैं। जिस हिसाब से जूनियर हाई स्कूल्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है। अभी इस क्षेत्र में नेशनल गर्ल्स स्कूल, मिशन इंटर कॉलेज या जीजीआईसी, आर्य कन्या, आर्य महिला, तारा पाठक, अंगनेलाल, कन्या के 9th से लेकर इंटरमीडिएट तक बहुत कम अपॉर्चुनिटी है जो उनको मिलती है।
लखीमपुर खीरी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का मतदान आज हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कई सीटों पर भाजपा और सपा सीधे आमने सामने इन दोनों की टक्कर देखने को मिलेगी। निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। पोलिंग बूथ बड़ी संख्या पर पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर सपा और बसपा सीधे तौर पर आमने सामने उनकी टक्कर देखने को मिलेगी, जिस पर निष्पक्ष जांच हो इसको सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर हर पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। कानपुर के गोविंदनगर इलाके में ससुराल पंख से तंग आकर विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक कलह के चलते महिला ने इस तरह का कदम उठाया। मृतका की मौत पर उसके परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। का सास जेठानी सब जहर खिला दिया है, गला दबा दिया है, फांसी में लटका गया क्या? फांसी में नहीं, पता नहीं, हम फांसी नहीं देखे हैं। वो सोचना मिली है कि हमारे मैसेज भेजी है कि बाबा हम भाई इस घर से उब गए हैं, तो हमारा लड़का कहा है कि बड़ा वाला लड़का के फोन करी थी। वही खबरों के बीच रुकेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, संजय सिंह ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। आप सांसद संजय सिंह ने सपा मुखिया से की मुलाकात। मुलाकात के बाद संजय सिंह का सामने आया बयान, तो उनको जन्मदिन की बधाई देने आया था, ऐसा संजय सिंह ने कहा। ये एक शिष्टाचार भेंट थी, बोले संजय सिंह। तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को देखते हुए जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए संजय सिंह ने इसको एक शिष्टाचार भेंट का रूप दे दिया और उन्होंने कहा है कि जन्मदिन की बधाई देने आया था। तो ये मुलाकात संजय सिंह और अखिलेश यादव की शिष्टाचार भेंट इसको रूप दिया है संजय सिंह ने। उन्होंने मुलाकात के बाद एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने आया था। तो चलिए आपको सुनाते हैं संजय सिंह ने अपने इस मुलाकात के बाद क्या बयान दिया। अखिलेश जी से हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और एक तारीख को उनका जन्मदिन था, मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। जिला पंचायत के चुनाव में निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ है उस पर भी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में 25 जिला पंचायत अगर निर्विरोध हो रहे हैं तो ये सीधे सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपहरित किया है, यही कहा जा सकता है। क्या विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माना जाए कि आपकी अखिलेश जी से कोई बातचीत आने वाले वक्त में सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? अभी तो आज तो सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसीलिए आए थे। धन्यवाद। मैं इस खबर पर संवाददाता मार्तंड जुड़ चुके हैं। मार्तंड, बड़ी खबर थी, संजय सिंह खुद अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे, लेकिन उनके बयान में उन्होंने कहीं ना कहीं जो चुनावी इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था उसे दरकिनार करते हुए कहा कि शिष्टाचार भेंट है, क्या लगता है आपको? जी देखिए, बिल्कुल चुनावी वर्ष है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने, अभी जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव चल रहा है और ऐसे में इस तरीके की मुलाकातें अक्सर आम हो जाती हैं, अपने अलग अलग मायने होते हैं इन सब मुलाकातों के। हालांकि संजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है और साथ ही एक तारीख को अखिलेश यादव का बर्थडे था जिसको वो विश नहीं कर पाए थे उस समय, तो आज वो मुलाकात करने हैं। और साथ ही ये भी कहा कि इससे पहले भी इस तरीके की मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन देखिए जब भी चुनावी वर्ष होगा इस तरीके की मुलाकातें और बढ़ जाती हैं। और राजनीति में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, हर चीज का कुछ ना कुछ मकसद होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। तो जाहिर तौर पे ये अगर मुलाकात हुई है और जब चुनाव के बारे में और बाकी किसी चीज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया। हालांकि इतना जरूर कहा उन्होंने कि जिला पंचायत अध्यक्षों का जो ये चुनाव हो रहा है इसमें अगर 25 के सांसद जो है वो निर्विरोध, अगर वो 25 सदस्य अगर निर्विरोध चुने जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष अगर निर्विरोध चुने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें
सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है, उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार पे आरोप लगाया, तो जाहिर तौर पे विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी लगातार टारगेट करती रही है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को, तो इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकलते हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों लोगों का जब मकसद एक है और लगातार हमने देखा चाहे बंगाल हो या निकालना जरूरी भी बन जाता है समय चुनावी मायने, क्योंकि कहीं ना कहीं 22 के चुनाव नजदीक है और इस बीच एकदम से शिष्टाचार भेंट करने की याद आना ये कोई मामूली बात नहीं लगती है। जी बिल्कुल, ये मामूली बात बिल्कुल नहीं है। हालांकि राजनीति में एक और चीज होती है कि जब तक कोई भी एक्शन जो है वो फुल प्रूफ नहीं हो जाता तब तक बयान नहीं दिया जाता, उसको इसी तरीके से शिष्टाचार भेंट या आम मुलाकात का नाम दिया जाता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता, ये पहले भी देखा गया है। जब दो बड़े नेता मिलते हैं भले उसका शिष्टाचार की बात करते हैं लेकिन बाद में चीजें कुछ और निकल के आती हैं। लगता है अखिलेश यादव का भी लगातार ये बयान सामने आया कि किसी बड़ी पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है। और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का भी अगर हमने बयान सुना तो उन्होंने भी ये बोला कि हटाने की पूरी कोशिश है, तो क्या भाजपा को सत्ता से हटाना है इसलिए क्या ये तमाम पार्टियां एक मंच पर खड़ी होंगी? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी हमने देखा कि चाहे बंगाल का चुनाव हो या जो है कोई भी बड़े स्टेट का चुनाव हो जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारा विपक्ष एक साथ आ गया था, और कई बार स्वयं अखिलेश यादव ने भी इस चीज का आह्वान किया कि अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करना है तो सारे विपक्ष को एक मंच में आना होगा। हमने पहले भी देखा था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और बहुत मजबूत कांग्रेस जो है सत्ता में थी, उस समय भी सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आई, उन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया था। तो ये राजनीति है, राजनीति में इस तरीके की चीजें चूंकि भारत में पहले भी हो चुकी हैं तो ये कोई नई बात नहीं है कि ये एक तरह से एक मुहिम शुरू हो और इस मुलाकात के बाद जाहिर तौर पर ये बात और तेज हो कि सब विपक्ष के लोग जो है एक साथ एक मंच पे आए। और समाजवादी पार्टी पहले ही ये कह चुकी है कि वो गठबंधन तो जरूर करेगी अन्य पार्टियों से लेकिन छोटी पार्टियों से, और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये दिल्ली में जरूर सत्ता में है, पंजाब में बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लगातार लड़ते रहे लेकिन एक बड़ी पार्टी बनने में ये नाकाम रहे। और जाहिर तौर पर अगर उनको भी यहाँ पे कुछ सीटें चाहिए तो उनको किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करना होगा, और यही चीज अखिलेश यादव के साथ है, वो छोटी पार्टियों को गठबंधन करके और चुनाव में जाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुलाकात जो है इस तरफ भी इशारा करती है कि कोई अंदरखाने बातचीत चल रही हो। और साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर इसे देखा जाता है और कहीं ना कहीं इशारा बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से संजय सिंह मुखिया अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे, इसको हालांकि इन्होंने एक शिष्टाचार भेंट रूप दिया है, लेकिन 22 के चुनाव नजदीक है तो चुनाव से जोड़ना तो बनता ही है। वही गर्मियां आते ही आम के दीवानों के लिए दिल खिल जाते हैं। आमों के शौकीन फलों के राजा के अलग अलग किस्म का स्वाद चखने के लिए बेताब रहते हैं, पर अगर हम कहें कि अब आम के दीवाने एक ही पेड़ पर कई किस्मों का स्वाद ले सकते हैं तो यह आपको सपने से कम नहीं लगेगा। पर यह सपना सच कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के होर्टी कल्चर रेस्ट ने क्या है ये अनोखा पेड़ और क्या है पूरी कहानियां, आइए आपको दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। आम का अजब गजब पेड़, ये आम नहीं है आम, पेड़ एक पर फल अनेक, अजब पेड़ की गजब कहानी। आज भी आम की बात होती है तो आम की किस्मों की बात भी होती है। कोई लंगड़े आम की कहानी बताता है तो कोई दशहरी, चौसा और अलग अलग आमों के किस्म की बात करता है। अलग अलग शहरों में आम के किस्से सामने आते हैं, वहीं अलग अलग शहरों में फेमस आम को सभी लोग चख नहीं पाते। लेकिन उत्तर प्रदेश में आम का एक ऐसा पेड़ है जिस पर आपको एक साथ कई वैरायटी के आम का स्वाद मिल जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, सहारनपुर में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जहाँ 121 किस्म के आम उगते हैं। ये पेड़ सहारनपुर के कंपनी बाग इलाके में लगाया गया है। वैसे तो ये पेड़ 15 साल का हो गया है लेकिन करीब 5 साल से हॉर्टिकल्चरिस्ट इस पेड़ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिससे नई तरह की वैरायटी को शुरू किया जा सके। जानकारी के अनुसार बागवानी और प्रशिक्षण केंद्र के संयुक्त निदेशक भानु प्रकाश राम ने बताया
कि कंपनी बाग में करीब 5 साल पहले यह अनूठा प्रयोग किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य आम की नई किस्मों पर शोध करना था। उन्होंने बताया कि देसी आम के पेड़ की शाखाओं पर विभिन्न प्रकार के आमों की कलम लगाई गई, जिसके बाद पेड़ की देखभाल के लिए अलग से नर्सरी प्रभारी भी नियुक्त किया गया। मेरा नाम भान प्रकाश शाम, संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण सहारनपुर। ये जो है आम को शौकीन है खाने वाले, कि हर प्रजातियों का हमें लुत्फ मिले, उसको देखते हुए हमारे वैज्ञानिकगणों ने इसका एक्सपेरिमेंट डाला कि एक पेड़ पर कैसे हम विभिन्न प्रजातियों के जो है फलों का कर सकते हैं, कलम बांध सकते हैं, जिससे तैयार हो सके। तो हमारे यहाँ बहुत पहले पुरानी विधि थी भेंट कलम। तो भेंट कलम में बिजू को जो है हम मदर प्लांट के पास लेकर जाते थे, वहीं उसको टहनी झुका कर बांधते थे, तो उसमें टाइम लगता था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के अथक मेहनत से सिर्फ टहनी ही ला कर बांध देते हैं मदर प्लांट से, हू बहू वहीं चाहे दशहरी हो, लंगड़ा हो, चौसा हो, मल्लिका हो, उसका स्वरूप उस पर आ जाता है। बीजू किसी और का होता है, लेकिन उस पर जो टहनी बांधते वो प्रजाति हमारे पास आ जाती है। तो उसी देखते हुए इस प्रजाति का जो है एक पेड़ पर जो 121 प्रजाति का यह हुआ है। इससे फ़ायदा तो कमर्शियल तो नहीं है, लेकिन आम के जो शौकीन हैं, जो चाहते हैं कि हमको अधिक से प्रजातियों का कम जगह में हमको खाने को मिल जाए, स्वयं के खाने के लिए किचन गार्डन में लगाना है, अपने फार्म हाउस में करना है, तो उनके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। ये 15 साल का है, ये सब प्रजातियाँ बांधने में कम से कम 10 साल लगे हैं। जैसे पौधे ग्रोथ होता गया, टहनियाँ मिलती गई, उसे हमारे वैज्ञानिकगण बांधते रहे। आगे भी इस पर जो इस साल टहनियाँ निकली हैं, उस पर भी जुलाई अगस्त में हम जो है अन्य प्रजातियों का जो हमारे पास है उसकी हम बधाई करेंगे। हाँ, नई प्रजातियाँ जैसे सूर्या है, आपका अंबिका है, पूसा श्रेष्ठा है, पीताम्बरा है, इन सब का भी हम इस पर जो है करेंगे। भानु प्रकाश राम की मेहनत का ही नतीजा है कि अब इस पेड़ पर एक दो नहीं बल्कि 121 किस्म के आम लग रहे हैं। इस पेड़ पर दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेल, आम्रपाली, सहारनपुर वरुण, सौरभ, सहारनपुर गौरव, राजीव आदि शामिल हैं। इसके अलावा इस पेड़ पर नायाब लखनवी सफेदा, कलमी मालदाह बॉम्बे, आलमपुर बेनिशा जैसे आम भी शामिल हैं। वहीं इस पेड़ पर मौजूद सभी किस्मों की जानकारी पास ही लगे बोर्ड पर अंकित भी की गई है। बता दें कि इससे पहले भी सहारनपुर में आम का काफी ज्यादा उत्पादन होता आया है और फलों पर कई एक्सपेरिमेंट भी किए जा चुके हैं। इसी वजह से इस पेड़ पर भी रिसर्च की गई और अभी भी इस पर नई वैरायटी को लेकर रिसर्च जारी है। वहीं अब नई प्रजातियों पर शोध कार्य भी चल रहे हैं, जिससे आगे आने वाले वक्त में और बेहतर किस्म के आमों की पैदावार की जा सके। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो ये थी आम के पेड़ की अजब गजब कहानी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।